कल्पना सच्चा जादुई गालीचा है ऐसा बोला गया। कल्पना करना ये एक्चुअली सच्चा जादू का गालीचा हो सकता है। हमको जादू का गालीचा की स्टोरी मालूम है कि जादू के गालीचे के ऊपर हम खड़े होते हैं, बैठते हैं, हम जब चाहे जहां चाहे वहां हमको लेके जाता है। नॉर्मन विंसेंट पिल ने कहा है कि कल्पना सच्चा जादुई गालीचा है। और आप कल्पना करते हैं जो चीज आपको चाहिए, जो इच्छाएं आपकी है उसकी आप कल्पना करते हैं, तो आपको वो कैसे मिल सकती है उसके बारे में आज हम बात करने वाले। तो आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। जिसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं आपको अपने मन में उसी के समान चित्र जरूर बनाना होगा। जो भी आप चाहते हैं उसके बारे में अपने मन में, मन के मन में एक चित्र बनाना जरूरी होगा। एक चित्र बनाने का है, उसकी कल्पना करना है, उसका विजुअलाइजेशन करने का है, ठीक है ना। और फिर अपनी इच्छा को, फिर जो अपनी इच्छा है उसको खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होता है जैसे वो पूरी हो चुकी है, आपको वो मिल चुका है, डन डील है। आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए जैसा मनचाही चीज मिलने पर होता है। मतलब वो चीज अपने को मिल चुकी है, ऐसा अपना एहसास होना चाहिए, ऐसा अपना एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऐसा आपको फील होना चाहिए, है ना, जब ऐसी चीज आपको मनचाही चीज मिलती है। तो इस तरह अपनी चित्र निर्माण करना है और मनचाही चीज जब मिलती है तब तो मिलने पर जैसा एहसास होता है वैसा ही एहसास हमको अभी करना है जब वो मिली भी नहीं है तभी। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपनी मनचाही चीज के लिए कृतज्ञ होना है। मतलब वो मिली नहीं है अभी हमको, वो मनचाही चीज मिली नहीं है, उसे पाने के पहले ही उसके बारे में हमको कृतज्ञ होना है। यदि पहले कभी आपके मन में यह विचार नहीं आया है कि आपकी मनचाही चीज को पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपने अब इसकी एक और जादुई शक्ति खोज ली, है ना। आपने एक शक्ति एक खोज लिया है, वही आपको वो चीज मिली नहीं है तभी भी आपने उसके प्रति कृतज्ञ होना है और उसके प्रति कृतज्ञ होके हम आपको आगे बढ़ाने के लिए बोलते हैं कि भाई कृतज्ञ होना है, उसकी कल्पना करना है, जो आपको इच्छा चाहिए उसकी, और वो आपको मिलेगा, ठीक है ना। जिसके पास भी कृतज्ञता है अभी है उसके भविष्य, उसको उसे अधिक भविष्य में दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा, ठीक है ना। आज जब आप अपनी मनचाही चीज, जब आप अपनी मनचाही चीज पाने के लिए मतलब पहले से सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं तो आपके मन में तुरंत वह तस्वीर बन जाती है और वैसा आपको लगता है कि वो आपके पास आ चुकी है। आप महसूस करते हैं कि वह इस समय आपके पास में है और आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। यदि आप उस तस्वीर और भावना को कायम रखते हैं तो आप जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। जादुई अभ्यास के लिए, आपको जादुई अभ्यास करना है तो उसके लिए 10 इच्छाएं चुनिए। आपको जो भी इच्छाएं चाहिए, जो भी इच्छाएं आपकी है, वो 10 इच्छाएं आपको चुन लेने का है और उसकी एक सूची बनाना है, उसकी एक लिस्ट बनाने का है और उसको साकार मतलब जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से चुन सकते हैं, है ना। अलग अलग ऐसा धन है, स्वास्थ्य है, घर है, अपने संबंध है, या फिर आप एक क्षेत्र, एक ही क्षेत्र में 10 इच्छाओं को भी चुन सकते हैं जिसे आप सचमुच बदलना चाहते हैं। जैसे कारोबार है, सफलता है, ऐसा आपको चुनना है। कुछ भी 10 इच्छाएं आपको चुनने की है। अपने 10 शीर्ष इच्छाओं की एक अलग सूची बनाना है, जैसे आप उन्हें साकार कर चुके हैं, और धन्यवाद 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 बोलना है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिसके बदौलत मैं अपने मनचाहे कॉलेज में पहुंच पाया। जैसे अभी परीक्षा हुई है क्या? अभी परीक्षा हुई नहीं है। परीक्षा हुई क्या? परीक्षा बिल्कुल हुई नहीं है, मगर हम क्या कर रहे हैं कि परीक्षा में मुझे इतने नंबर मिले हैं, अच्छे नंबर मिले हैं, अच्छे मार्क्स मिले हैं, और उसके लिए मैं अभी धन्यवाद देता हूं, अभी मैं कृतज्ञ हूं। और जैसा आप मार्क मिलने के बाद में फील करोगे, मार्क मिलने के बाद में जैसा करोगे,
वैसा आपको आज ही करना है, ठीक है ना। फिर और एक मिसाल के तौर पे है कि हमारे सपनों का घर हमको मिला, हमारे सपनों का घर अपने को मिला है, और धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिसमें हमारी हर मनचाही चीज है। डैडी के साथ फोन पर हुई अद्भुत बातचीत के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, इससे हमारा संबंध बेहतर बन गया है। मतलब आपको जो भी चीज आपको पानी है, जो भी चीज आपको चाहिए, उसके लिए आपको धन्यवाद 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 पहले ही बोलना है ना। और हर इस्तेमाल को, मतलब जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली है तो आपको कौन सी भावना महसूस हुई, वो भावना भी आपको महसूस कर रहा है। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया और कैसे बताया, किस व्यक्ति को बताया और कैसे बताया। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी किया, जैसे आपको अच्छे मार्क मिले, अच्छे मार्क मिले कौन सी, किस तरह की भावना आपको हुई। फिर मनचाही वस्तु मिली तो आपने, अच्छे मार्क मिले तो आपने सबसे पहले किसको बताया कि मुझे ऐसे मार्क मिले, और फिर अच्छे मार्क मिले तो आपने बेहतरीन चीज कौन सी अच्छी की, कौन सी चीज किया, ये आपको अभी महसूस करना है। अभी मिले है क्या मार्क, अभी मिले नहीं है, अभी आपको समझो कार है, अब कार का है, अभी आप कार समझो, आपको लिखा है कि अपने वो कार होना है, भाई कौन सी भावना निर्माण हुई कि मैंने कार ली हुई है। आपने पहले किसको बताया कि मैंने कार लिया, और कार लेने के बाद में आपने कौन सी बेहतरीन चीज किया, तो ये ऐसा सब आपको अभी करना है जब आपको वो चीज मिली नहीं है। यदि आप सचमुच कोई शक्तिशाली और बहुत ही मजेदार चीज करना चाहे तो एक मैजिक बोर्ड बना सकते हैं, एक मैजिक बोर्ड बनाने का है और उस पर अपनी मनचाही चीजों की तस्वीर लगा सकते हैं, एक बोर्ड बना के, और जो चीज आपको चाहिए उसकी आपने तस्वीर बनाना है। इसके लिए तस्वीर काट काट कर एक बोर्ड पर लगा दे और उसे किसी ऐसी जगह लगा दे जहां आप उसे अक्सर देखते रहे। मैजिक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में जादुई शब्द लिखना है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एक मैजिक बोर्ड आपको आज बनाने का है, और जो भी आपको चीज चाहिए उसकी तस्वीरें काटना है और तस्वीरें काट के वहां लिखने का है। अपने मन में जितने अधिक विस्तार से बयान कर सकते हो करे, अंत में हर इच्छा दोबारा पढ़े और जादुई शब्द धन्यवाद पर सचमुच जोर दे ताकि आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा महसूस कर सके। अपनी सूची की दूसरी इच्छा की ओर बढ़ो और उसके साथ ही वही प्रक्रिया दोहराए। इस तरह हर इच्छा के लिए यही कदम आपको उठाने का है। जब तक आप सभी 10 इच्छाओं को पूरा न कर ले, हर इच्छा को कम से कम 1 मिनट का आपने समय देना है। अपना दिन जो है उसको जादू बनाने, मतलब जो आने वाला दिन है, सुबह उठने के बाद में जो आने वाला दिन है उसको हमको जादुई बनाने का है। दीपक चोपड़ा जो चिकित्सक और लेखक है, 1946 में उनका जन्म हुआ है, अभी भी वो है। जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। हमारे इरादे है ना, उसको शब्दों में लाने का है, इरादों को, ठीक है ना, इरादों को शब्दों में लाने का है। तो जीवन के सबसे जादुई दिन को देखने और अनुभव करने के लिए आप दिन की शुरुआत करने से पहले ही पूरे दिन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। दिन की शुरुआत ही करना है, उसके पहले ही अभी दिन में क्या क्या होने वाला है उसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका दिन जादुई हो तो आपको बस अपने दिन भर की योजनाओं पर विचार करना है और उसे जीने के पहले ही उसके अच्छी तरह गुजरने के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। यह बहुत ही आसान काम है और इसमें केवल चंद मिनट ही लगते, कुछ मिनट का काम है, और हमको यह करना है रोज कि मेरा दिन आज कैसा जाने वाला है उसके प्रति पहले ही कृतज्ञ होना है कि मैं आज ये 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 करने वाला हूँ, पढ़ाई करने वाला हूँ, मीटिंग करने वाला हूँ, किसको मिलने वाला हूँ, किसको फोन करने वाला हूँ, जो भी है वो आपको पहले से ही करना है, ठीक है ना। जब आप जादुई दिन के लिए पहले से कृतज्ञता का इस्तेमाल करते हैं पहले से ही, तो अप्रत्याशित समस्याएं या मुश्किलें आने से पहले ही खत्म हो जाती, मुश्किल आने के पहले मुश्किलें खत्म हो जाए।
जादुई दिन पाने के लिए सुबह उठते समय या तो बिस्तर छोड़ने के ठीक पहले या फिर नहाते या कपड़े पहनने के समय योजनाओं के बारे में सोचे और प्रत्येक अच्छी तरह होने के लिए धन्यवाद। तो ये सब पूरी दिन भर में कैसा बिताने वाला हूं वो उसका पहले ही सोचना है और वो सोचने से पहले ही अपनी कल्पना करनी है और वो उसको धन्यवाद बोलने का है, ठीक है ना। अधिकतम कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप जितने चाहे श्रेष्ठतम विशेषणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। एडजेक्टिव्स वी कैन यूज द एडजेक्टिव्स। अविश्वसनीय रूप से सफल मीटिंग के लिए धन्यवाद। फोन कॉल के अद्भुत परिणाम के लिए धन्यवाद। ऑफिस में बेहतरीन दिन के लिए धन्यवाद। स्कूल में बेहतरीन पढ़ाई होने के लिए धन्यवाद। मतलब आप स्कूल जाने के पहले ही सुबह उठते और बोलते हैं कि आज का दिन मैं बहुत अच्छी पढ़ाई करने वाला हूँ, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्कूल में मेरा अच्छा समय जाएगा और मैं बहुत अच्छा पढ़ूंगा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो क्या होगा, कुछ प्रॉब्लम भी आने वाला है, प्रॉब्लम आएंगे, ठीक है। फिर सफाई के प्रयास रहित और आनंददायक दिन के लिए धन्यवाद। मित्रों के साथ बेहतरीन शाम गुजारने के लिए धन्यवाद। यात्रा के आरामदेह दिन के लिए आपको धन्यवाद। व्यायाम से प्राप्त आश्चर्यजनक ऊर्जा के लिए धन्यवाद। व्यायाम किया क्या आपने, नहीं किया, व्यायाम करने के पहले ही बोलना है कि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक मिलन समारोह के लिए धन्यवाद। ऐसा इस तरह आपको पूरे दिन में हम क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या करने वाले हैं उसके बारे में सोचना है और धन्यवाद आपको पहले ही देना है। आपको कोई तकलीफ आएंगी नहीं और कोई तकलीफ आती है तो आने वाली होंगी तो वो निकल जाएगी। अभी ये नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अपना यह है कि जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। अपने संबंध जो है, अपने रिश्ते जो है उसको हमको मधुर बनाने का है। तो यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो या आपको उसमें मुश्किल आ रही है या आपका दिल टूट गया हो या आप किसी बात के लिए किसी से द्वेष कर रहे हो या उस पर दोष मढ़ रहे हो तो उसे कृतज्ञता के जरिए बदल सकते हैं। किसके साथ में अनबन हुई है, किसके साथ में बातचीत करना बंद हुआ है, कोई कारण से आपका संबंध टूट गया है ना, कोई मुश्किल आ गई है, दिल टूट गया है, आपका ब्रेकअप हुआ है किसके साथ में, जो भी कुछ है किसी के बारे में द्वेष आप कर रहे हो या उसके ऊपर दोष दे रहे हो तो आप थैंकफुलनेस जो है, ग्रेटफुलनेस जो है उसके जरिए आप उसको बदल सकते हैं। ऐसा बोला गया है कि रिलेशनशिप जो है ना, रिलेशनशिप्स ये बहुत बड़ा एक स्तंभ है अपने जीवन का और सक्सेसफुल होने का। अपनी रिलेशनशिप बहुत ही बढ़िया होनी चाहिए, हर व्यक्ति के साथ में हमारे रिलेशनशिप बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। और वो समझो नहीं है किसी के साथ में तो वो जोड़ना चाहिए। हम क्या करते हैं कि कुछ हो गया तो हम बातचीत बंद कर देते हैं, बातचीत बंद करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, उसका द्वेष करेंगे, उसको क्रिटिसाइज करेंगे, उससे हमारे संबंध बहुत खराब हो जाते हैं। और आपको सक्सेसफुल होना है तो आपके संबंध मधुर होना चाहिए सबके साथ में। तो ये कैसे करना है उसके बारे में अभी आज ऑथर बात करते हैं। क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने का जैसा है, जिसे आप उठाते हो तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से है, लेकिन जलते आप है। तो आप यदि किसी का क्रोध करते हैं ना तो जलते आप। हमको लगता है कि मैं क्रोध कर रहा हूं, ऐसा है मालूम है क्या, क्रोध करना, किसी के ऊपर गुस्सा करना, या ऐसा है कि अपन ने जहर पीने का है, जहर अपन ने पीने का है और बोलेगा वो मर जाएगा सामने वाला। ऐसा नहीं होता है, जहर आप पी रहे हो तो सामने वाला नहीं मरेगा, आप मर जाएगा। तो आपको तकलीफ आपको होने वाली, तो आपने किसी के साथ में जो है वो बुरी भावना जो है, किसी के साथ में की बुरी भावना ही जीवन को जला देती है, मगर कृतज्ञता की भावना जो है वो खत्म कर देती है भावनाओं, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है आज के जादुई अभ्यास के लिए, आप उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हो जो आपके जीवन को जला रहे हैं और कृतज्ञता द्वारा आप इसे सचमुच सोने में बदल सकते हैं। तो कोई ऐसा मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटा संबंध चुने जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हो। ऐसा कोई संबंध जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हो वो आपको चुनने का है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो व्यक्ति आपके जीवन में वर्तमान में है या यह अतीत का कोई संबंध है,
या वो व्यक्ति अब आपके जीवन में नहीं है, मतलब वो संबंध वो आपके जीवन में भी नहीं है, अतीत में हुआ है या वर्तमान में भी हुआ है, तो क्या करना है बता रहे हैं ऑथर कि बैठ जाए और जिस व्यक्ति को आपने चुना है उसके बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की एक सूची बनाना है, जिसके बारे में आपके संबंध खराब हो चुके हैं, खराब है, उसके बारे में बैठो और सुनो, सोचो और 10 चीजें बनाने की है, संबंध के इतिहास में जाकर सोचे और उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीजों की सूची बनाए या उस संबंध से आपको मिली बेहतरीन चीजों पर विचार। देखो कितना भी संबंध खराब है तभी भी आप उसके बारे में कुछ 10 चीजें अच्छी सोच सकते हैं, उसके बारे में 10 चीजें आप बता सकते हैं, जो भी कुछ ना कुछ अच्छा होगा कोई भी व्यक्ति में वो 10 बातें लिखनी है, 10 बातें लिखनी है व्यक्ति के बारे में जिसके साथ में आपके संबंध खराब है। और क्या करना है, ये जादुई अभ्यास इसके बारे में नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत, नहीं नहीं मैं तो सही हूं, मैं राइट हूं, वो रॉन्ग है, नहीं राइट रॉन्ग इसमें इसके बारे में नहीं करना कि कौन सही है कौन गलत है, मैं राइट हूं वो रॉन्ग है, नहीं राइटियसनेस बिल्कुल करने का नहीं है। किसी ने आपके साथ में जो भी किया हो, सामने वाले ने आपसे जो भी कहा हो या ना कहा हो, जो भी किया हो या ना किया हो, उसके बारे में आप कैसा भी महसूस करते हो, कैसा भी कुछ भी, तो आपने क्या करना है, आपने उसको धन्यवाद देने का है, अच्छी 10 चीजें। तो यदि आप किसी वर्तमान संबंध को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता की भावना जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उस संबंध को चमत्कारिक ढंग से अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ देख। दरअसल कृतज्ञता के संबंध को जादुई अंदाज में बदलने के लिए केवल एक ही व्यक्ति की आवश्यकता होती है, लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता का इस्तेमाल करता है उसे जीवन भर उसके लाभ मिलते हैं। तभी आपको करना क्या है, आज आपको पेन और जर्नल लेकर एक कंप्यूटर के सामने बैठकर अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बना लेना है, लिस्ट ऑफ 10 विशेस, हर एक के आगे 3 बार धन्यवाद लिखे, मानो आपकी मनचाही वस्तु आपको पहले ही मिल चुकी हो। मिसाल के तौर पर आपकी इच्छा लिखना है और वहां लिखना है धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए सवालों के मन ही मन में जवाब दे, जैसे आप अपनी 10 मनचाही वस्तु में से प्रत्येक को प्राप्त कर चुके हैं। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस, आपको फीलिंग क्या थी वो चीज मिलने के बाद। नंबर 2, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए जो भी पूरा मतलब आपको कौन सी भावनाएं हुई, आपने किसको बताया, आपने कैसा महसूस किया और आपने सबसे पहले किया क्या, तो जब आपको मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले कौन से व्यक्ति को किसके तरफ गए, किसको बताया, जब आपको अपनी मनचाही चीज मिली तो आपने कौन सी चीज की, ठीक है ना। जब अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़े और जादुई शब्द को धन्यवाद पर सचमुच जोर दे दो ताकि आप उन्हें अधिक से अधिक महसूस कर सके। नेक्स्ट, यदि आप चाहे तो एक मैजिक बोर्ड बना ले, तस्वीरें काट काट कर उन्हें इस बोर्ड पर लगा ले और बोर्ड को ऐसी जगह रखे जहां आप इसे रखकर इसे अक्सर देख सके। बोर्ड के सबसे ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में धन्यवाद 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 लिखे, सुबह सुबह मन ही मन सुबह से लेकर रात तक की अपनी योजनाओं के बारे में सोचे, हर योजना या घटना के बारे में सोचे कि वह अच्छी तरह हुई है और उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और इसके आदर्श ढंग से गुजरने पर बेहद कृतज्ञ है। जब आप पूरे दिन के बेहतरीन तरीके के होने वाली सारी घटनाओं के लिए कृतज्ञ हो ले तो इस जादुई अभ्यास के अंत में कहे और इस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है। फिर किसी एक मुश्किल समस्याग्रस्त या टूटे संबंध को चुने जिसे आप बेहतर बनाना चाहते, बैठकर 10 चीजें की सूची लिखे जिनके लिए आप चुने हुए व्यक्ति को कृतज्ञ हो सकते हो। इसमें निम्न तरीके से लिखना है, उसका नाम लिखना है और मैं क्या के लिए कृतज्ञ हूं, उसके लिए आप क्यों कृतज्ञ है वो भी लिखने का है, और आज रात सोने से पहले
अपना एक जादुई सत्तर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे।